आपके सामने 2D का जो क्वेश्चन दे रखा है, अब इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है? यही तो क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछा है 2022 में सेकंड ग्रेड के अंदर मैथ्स में। आप देखिए जो स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर की दो साइड के इक्वेशन दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है। और ये दोनों ही इक्वेशन आपको यूज करके और आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए आपके सामने जो इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस वन जीरो एक साइड का, तो और दूसरी वाली का x प्लस वाई माइनस टू। सबसे खास बात क्या है, एक्स प्लस वाई दोनों में आ रहा है, मतलब क्या है, दोनों रेखाएं समांतर है। क्लियर? अब समांतर है तो आप क्या करोगे, उनके बीच की दूरी निकाल लें। दूरी कैसे निकालोगे, उनके बीच की दूरी निकालने का जो तरीका है, अगर आपको पता हो कि जब इस तरीके से रेखाएं होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, वन वन कर दो, और ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जीरो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप? इसके लिए आपके पास में जो डी होता है वो होता है सी टू माइनस सी वन अपॉन रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। यही तो यूज करते हो आप, तो यहां यही तो काम करना आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डी इक्वल टू सी वन माइनस सी टू, तो आपके क्या दे रखा है, देख लो ये टू माइनस वन यानी कि प्लस वन हो जाएगा, और नीचे ए वन कितना आपके वन, और बी वन भी वन है, दोनों में सेम है, तो ये वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये आपके क्या आ गया, थ्री अपॉन रूट टू, ये क्या आ गई आपके साइड। अब आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, और वो क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। तो एल का आपके पास कितना आ गया, थ्री अपॉन रूट टू, ये आपके होल स्क्वायर नाइन अपॉन टू, ध्यान देना रूट टू इंटू रूट टू, तो ये नाइन अपॉन टू इसका आंसर आ रहा है स्क्वायर यूनिट में। यही तो आंसर लाना था, अब आप बताओ कि कहां मुश्किल है। अच्छा, मैं कितनी बार कहता हूं कि आपको इसके अंदर फॉर्मूलों को फोकस करना है, तो हम सोचते हैं जब पढ़ते तब लगता है कि ये फॉर्मूला आता है अपने को, ऐसे थोड़ी पूछते हैं क्या। कोई भी सवाल डायरेक्ट पूछने के बजाय वो थोड़ा सा अंदर डीप में जाता है, और सारी चीजें मैंने कितनी बार कहा है, हर वीडियो में ये बात कह रहा हूं आपको, जब भी क्वेश्चन कराए कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस ये कि जो फॉर्मूले आप जानते हो वही फॉर्मूले इसमें यूज करने होते हैं, नया कुछ नहीं। यही तो मैंने भी किया। अब क्या ये वाला क्या आप नहीं जानते हो, अगर आपने 2D पढ़िए तो 11th क्लास की 11वीं प्रश्नावली के अंदर, 11th की 11वीं नहीं 10वीं स्ट्रेट लाइंस जो है उसके अंदर आपके दे रखा फॉर्मूला, वहां से इसको यूज किया। और बाकी ये भुजा स्क्वायर वाला, ये कौन सी क्लास का है,